देखो, हम बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में जुड़े हुए हैं। हमारा परिवार जो है, सरदर्शन सिंह केपी, मेरे पूज्य पिताजी, जिन्होंने कांग्रेस के लिए कुर्बानी दी, उनकी शहादत हुई, और पिछले 70 साल से भी ज़्यादा हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बार हमें टिकटें दी, मिनिस्टर बनाया, इवन कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बनाया। लेकिन पता नहीं, कुछ ऐसी बात हुई 2014 के बाद, बार बार, मतलब डिसरिस्पेक्ट कह लो, इग्नोर कह लो, जो आप लफ्ज़ बोल सकते हैं बोल सकते हैं, और उसके बाद हमें कांग्रेस पार्टी में कभी स्थान नहीं मिला। लास्ट जो 2022 में चुनाव हुए विधानसभा के, मेरे को टिकट दिया आदमपुर से, मैंने पेपर फाइल किए, 2:45 बजे मेरी जो सिंबल लेटर था वो किसी उस बंदे को दे दिया, जो अभी 8-10 दिन से पहले से ही दूसरी पार्टी से, बीजेपी से, बीएसपी से आया था। तो उस बात का मेरे को और मेरे परिवार को बहुत सदमा है। 2 साल से हम सदमे से गुजर रहे थे, अब समय है, हम अब उस सदमे से निकलना चाहते हैं और कांग्रेस छोड़ के अकाली दल ज्वाइन कर। पिछले 10 साल से आपको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि खासकर 2019 में जब चौधरी परिवार को दोबारा टिकट मिली थी, तब भी आपकी नाराजगी सामने आई थी। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो आपको मनाने आए थे। उसके बाद 2022 के इलेक्शन आ गए, अब पिछले जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी आपका कहीं ना कहीं नाम चर्चा में था, लेकिन लग नहीं रहा है कि जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं दम किनार कर रही है, क्योंकि बाकी भी कई लीडर्स हैं जो अलग अलग पार्टी में शामिल हो गए। नहीं, देखिए, बात यह है कि जब ये आपने बात करी कि पिछला चुनाव था, जब बाई इलेक्शन था, ठीक है, हर कोई टिकट मांगता, लेकिन हमने उस अपना दावा छोड़ दिया था, क्योंकि चौधरी साहब की अनफॉर्चुनेटली उस वक्त डेथ हो गई थी, और हम भी समझते थे कि उनके परिवार को एडजस्ट करना, तो उन्होंने कर दिया, हमने इलेक्शन को लड़ा, कोई नाराज़गी नहीं जाहिर हुई। लेकिन उसके बाद अब जो जनरल इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन में, और उसके जब जो उपचुनाव था उसमें भी और राजनीतिक पार्टियों ने मेरे को टिकट देने की बात करी, लेकिन उस वक्त नहीं, हमने पार्टी छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि वो बाई इलेक्शन था, और बाई इलेक्शन में जो होता है वो डिसीजन नहीं लिए जाते। अब जनरल इलेक्शन, अब हमने डिसीजन ले लिया। इस बार भी हमने नॉमिनेशन किया था इलेक्शन के लिए, लेकिन आप ही के रिश्तेदार जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं, उनको टिकट दे दी पार्टी ने, तो आप उनका समर्थन करने के बजाय पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और प्यास लगाया जा रहा है कि आपको जल्दी जो अकाली दल यहाँ से पार्टी लड़ने का चुनाव का टिकट देगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा होंगी चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। नहीं, राजनीति में क्या मुश्किलें होती हैं, हर बंदा अपनी पार्टी की गुणगायन करता है। हम अकाली दल में आ जाएंगे, हम अकाली दल का गुणगान करेंगे, मतलब पार्टी की जो पॉलिसीज होती हैं, जो मैनिफेस्टो होता है, वो लोगों के पास लेके जाना होता है। अब जो अकाली दल का मैनिफेस्टो है वो हम लोगों के पास लेके जाएंगे, कांग्रेस वाले अपना मैनिफेस्टो लेके जाएंगे, लोगों ने फैसला करना है, लोक राज है, लोग जिसको वोट डालेंगे, वो जिसको ज़्यादा वोटें डलेगी वो जीत जाएगा। चर्चाएं पहले थी कहीं ना कहीं आप पहले आम आदमी पार्टी में जा सकते थे, फिर अकाली दल की भी चर्चाएं शुरू होगी, और लास्ट फाइनली आप अकाली दल में जा रहे हैं, तो अकाली दल ही क्यों चुन रहे हैं आप? इसलिए अकाली दल चुन रहे हैं कि अकाली दल पंजाब की रीजनल पार्टी है, लंबे समय से इनका इतिहास है, और पंजाब के जो मसले हैं उसको हल कराने के लिए हमेशा ही पहलकदमी अकाली दल ने की है। कौन से मुद्दे लेकर लोगों के पास है? वो तो अभी जो मैनिफेस्टो अकाली दल का बनेगा वो लेके जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो कांग्रेस, ये जो हमारे अकाली दल वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं, जो वो अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। आखिरी सवाल मेरा, टकसाली परिवार जो है, जहाँ शहादत वाले परिवार हैं, कांग्रेस क्यों इनको इग्नोर कर रही है? वो पता नहीं क्यों उनको हमसे कुछ एलर्जी कह लो या क्या है, हर बार हमें इग्नोर करते हैं, नए नए बंदों को मौका देते हैं, जो बाहर की पार्टियाँ से आते हैं उनको वो मौका देते हैं, जो अपने घर परिवार वाले हैं उनको वो इग्नोर करते हैं। हाईकमांड से कोई बातचीत नहीं हुई? बड़ी बार बात हुई है, हाईकमांड भी कभी अपनी बात पे अडिग नहीं रहा। जो पंजाब प्रधान है उनके साथ कोई बातचीत हुई हो? देखो, प्रधान जी से हुई थी बात, लेकिन उनका भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नज़र नहीं आया मेरे को। सिद्धू जी का कहना था कि जो टकसाली परिवार है उनको जुदा नहीं होना दिया जाएगा, फिर भी हो रहे हैं। जब आप किसी का दर्द नहीं समझोगे तो फिर वो जुदा तो होंगे।